तुम्हें इस काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब तुम अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते। वो हमेशा अपने वादे से पीछे हट जाता है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेज यूज करते हैं, किसी चीज से पीछे हट जाना, किसी चीज से पीछे हट जाना। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैक आउट समथिंग। बैक आउट समथिंग का मतलब होता है किसी चीज से पीछे हट जाना। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज कर देनी है बैक आउट, इसके बाद ऑब्जेक्ट। और भी एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो आप बैक देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि बैक, बैक्ड, बैकिंग, ये सब। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तुम्हें इस काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। यू शुड नॉट बैक आउट ऑफ दिस वर्क। यू शुड नॉट बैक आउट ऑफ दिस वर्क। अब तुम अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते। नाउ यू कैन नॉट बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स। Now you cannot back out of your words. वो हमेशा अपने वादे से पीछे हट जाता है। He always backs out of his promise. He always backs out of his promise. क्या वो अपने वादे से पीछे हट गई? Did she back out of her promise? Did she back out of her promise? वो उस डील से पीछे हट रहा था। He was backing out of that deal. He was backing out of that deal. वे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। They are backing out of their responsibilities. They are backing out of their responsibilities. वो इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाएगा। He will back out of this contract. He will back out of this contract.